नमस्कार दोस्तों, मैं समीर सर आप सभी के सामने एक नई वीडियो के साथ में हाजिर हूँ। और आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। हेडिंग लगाना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, देखो सर, हमारे पास यहाँ पर दो माध्यम हैं। एक हमने ले लिया जल और दूसरा हमने लिया वायु, ठीक है। तो ये हमारे पास था अभिलंब, ठीक है। यहाँ से मान लो कोई प्रकाश की किरण आती है, ठीक है। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण कौन से माध्यम से, सघन माध्यम से, ठीक है, कौन से माध्यम में जाएगी, विरल माध्यम में, तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हटती है, ठीक है। तो ये अभिलंब से इधर आएगी, ठीक है, अभिलंब से दूर हटेगी, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, मानो प्रकाश की किरण ये आ रही थी इधर से, ठीक है। तो ये कोण क्या हो गया, आपतन कोण आई, ये हो गया अपवर्तन कोण आर, ठीक है। तो ये अभिलंब से दूर हटेगी इधर की साइड में, ठीक। अब इस कोण को यदि हम बढ़ाएं, कोण आई को, ठीक है, तो हर एक जितने भी पदार्थ होते हैं, जैसे यहाँ पे जल लिया, ऐसे कांच होगा हमारे पास, कोई भी जो पदार्थ होता है उसका एक फिक्स कोण होता है जिसको हम बोलते हैं क्रांतिक कोण, ठीक है। क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण, ठीक। तो इस कोण को हम बढ़ा दें, ठीक है, तो ये जो है आई, ये क्रांतिक कोण थीटा सी के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो हमने इसको बढ़ाया, तो जैसे इसको बढ़ाया तो ये जो है प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण आते के साथ, ठीक है, ये अभिलंब के लंबवत हो जाएगी, ठीक है, क्रांतिक कोण पर। तो ये जो कोण बनेगा, ये कोण बन जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है। आपतन कोण आई बराबर किसके हो गया, यहाँ पे क्रांतिक कोण के बराबर, ठीक है। तो ये कोण कौन सा है, क्रांतिक कोण, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास वही जल और इधर क्या है, वायु। अब यदि हम इस कोण से ऊपर बढ़ा दें, आपतन कोण की वैल्यू क्रांतिक कोण से क्या कर दें, ज्यादा कर दें, ठीक है। तो ये वही अभिलंब हमारे पास, अब हमने इसकी वैल्यू बढ़ा दी, ये था कोण आई, ठीक है। और जो कोण आई है ये बड़ा है कोण, ठीक है, ये थीटा सी हो गया, ठीक है, क्रांतिक कोण से क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। और जब ये बड़ा हो गया तो अब प्रकाश की किरण जो है वो उसी माध्यम में लौट आएगी, ठीक है, जल से गई थी वापस किस में आ गई, जल में, ठीक है। तो ये जो घटना होगी, ये घटना क्या कहलाएगी, ठीक है, ये कोण बनेगा कौन सा, कोण आर, ठीक है। अब ये इस माध्यम से गई थी, इसी माध्यम में लौट आई, तो हमने फिर अभिलंब के साथ में कोण इधर बना लो चाहे, ठीक है। बट ये ध्यान रखना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब होगी जब कोण आई क्रांतिक कोण से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, तब ये घटना होगी कौन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इस वाले को कहेंगे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। और जो ये वाली घटना थी, ये घटना कौन सी थी, अपवर्तन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ माध्यम तो दो होने चाहिए, ठीक है, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है, माध्यम दो होंगे, ठीक है, एक वायु और एक कांच। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि कोण आई जो है वो बड़ा होगा किससे, क्रांतिक कोण से बड़ा होगा, ये तीनों बना लो। और चाहे लिख लेना है इधर, ठीक है, शर्त, पहली शर्त है कि दो
मध्यम होने चाहिए। पहली शर्त। सेकंड शर्त, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। हो गया। अब देखो, हमने बात किया पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो अब बात करेंगे हेडिंग लगाना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण कहाँ कहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन दिखाई देगा। फर्स्ट हम लेंगे, तो पहला हम ले सकते हैं हीरे का चमकना। हीरे का चमकना। दूसरा हम देख सकते हैं कि टूटे हुए कांच, टूटे हुए कांच के किनारे का चमकना। सदैव देखना जो कांच जहाँ से टूटता है उसका किनारा ज़्यादा चमकीला होता है, ठीक है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि पानी में डूबी पॉलिश की गई गेंद का चमकना ठीक है। यदि कोई पॉलिश की हुई गेंद है और वो पानी के अंदर डूबी हुई तो ज़्यादा चमकीली नज़र आएगी हमें। इसके अलावा हम लिख सकते हैं मृग मरीचिका का बनना, ठीक है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि सड़क पर पानी नजर आना, सड़क पर जो पानी है, पानी भरा हुआ नज़र आता है गर्मियों के दिनों में वो भी। और ये मृग मरीचिका जो है वो रेगिस्तान के अंदर पानी भरा नज़र आता है, ठीक है, तो उसको कहेंगे हम मृग मरीचिका। वही चीज़ है मृग मरीचिका ही, लेकिन जो सड़क पर नज़र आ गई, ठीक है। तो ये घटनाएं जो हैं वो किसका उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो लिखना प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु इसको कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर जो है वो भी काम करते हैं किसके ऊपर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर, ठीक है। और ये इनका उपयोग हम लेते हैं जनरली संचार माध्यम में और एंडोस्कोपी में, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर कौन सी घटना पे कार्य करेंगे, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर इनका उपयोग, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर का जो उपयोग है वो हम कर सकते हैं भाई संचार माध्यम में, हमें सूचना भेजनी है एक जगह से दूसरी जगह पर, और दूसरा हम इसका उपयोग कर सकते हैं एंडोस्कोपी में। एंडोस्कोपी आंतरिक अंगों का अध्ययन करने में किसका उपयोग किया जाता है, तो प्रकाशिक तंतुओं का। और प्रकाशिक तंतु कौन सी घटना पर कार्य करते हैं, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर कार्य करते हैं। तो एंडोस्कोपी में प्रकाश की कौन सी घटना काम में ली जाती है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना, ठीक है। हेडिंग लगाना वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण इसी में बनेगा वर्ण विक्षेपण। लिखो परिभाषा कि श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से
गुजरता है तो वह विभिन्न रंगों के प्रकाश में विभक्त हो जाता है। विभक्त हो जाता है, इसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण कहते हैं, इसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है भाई, तो जो वर्ण विक्षेपण की घटना हुई, इसमें एक्चुअल होगा क्या कि हमारे पास मान लो ये कोई प्रिज्म है, ठीक है, तो यहाँ से हमने एक प्रकाश भेजा, कौन सा था ये, श्वेत प्रकाश, ठीक है, और श्वेत प्रकाश के अंदर सातों रंग होते हैं एक साथ, इसलिए इसको श्वेत कहते हैं। जैसे ये यहाँ जाएगा तो प्रकाश का परावर्तन के साथ साथ क्या होगा, वर्ण विक्षेपण, ठीक है, और ये इधर बाहर निकलेगा, ठीक है, क्लियर। और ये जो हमें एक पट्टी नज़र आएगी, यहाँ पे हमने क्या लगाया, पर्दा, पर्दे के ऊपर सात रंगों की हमें अलग अलग क्या दिखेगी, पट्टी, जिसको हम कहेंगे विभ्योर, ठीक है। ऊपर ऊपर क्या मिलेगा, लाल, रेड, और नीचे नीचे मिलेगा बैंगनी, ठीक है भाई। और ये जो पट्टी हमें नज़र आएगी, पूरी पट्टी, ये कहलाएगा स्पेक्ट्रम, ठीक है। सात रंगों की एक जो पट्टी हमें मिलती है वो स्पेक्ट्रम कहलाता है, और यहाँ पर हम लेंगे क्या, प्रिज्म, ठीक, बनाओ। ये जो वर्ण विक्षेपण है इसी घटना पर आधारित होता है हमारा क्या, इंद्रधनुष, ठीक है, जिसको हम रेनबो कहते हैं। तो इंद्रधनुष के अंदर कौन सी घटना होती है, वर्ण विक्षेपण, उसके साथ में कुछ और भी घटनाएं होती हैं। तो ध्यान रहे, जो इंद्रधनुष होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है, एक को हम बोलेंगे कौन सा, प्राथमिक इंद्रधनुष, और दूसरा कौन सा होगा, द्वितीयक, ठीक है, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है उसके अंदर यदि हम देखें तो मान लो ये कोई जल की बूंद है, ठीक है, क्योंकि इंद्रधनुष जो है वो जल वाष्प के कारण बनता है। जो जल की बूंदें आकाश में थी उनके ऊपर सूर्य का क्या आएगा, प्रकाश, प्रकाश आने के बाद इधर आएगा, इधर आने के बाद इधर आएगा, और फिर वो अलग अलग रंगों में क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमें जो रंग मिलेंगे, ठीक है, वो सात रंग मिलेंगे, और ये जो सात रंग थे उसमें नीचे नीचे वॉयलेट और ऊपर ऊपर कौन सा मिलेगा, रेड, ठीक है। तो प्राथमिक वाले में नीचे नीचे वॉयलेट और ऊपर ऊपर कौन सा होता है, रेड होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान दो कि प्रकाश की किरण यहाँ से आई, यहाँ पर क्या था, वायु, ये किसकी बूंद है, जल की, तो वायु से जल में आई, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई तो अपने मार्ग से क्या होगी, विचलित। तो यहाँ पर कौन सी घटना हुई, तो पहली जो घटना यहाँ देखने को मिलेगी इंद्रधनुष में, प्राथमिक वाले में, वो मिलेगी कौन सी, अपवर्तन, ठीक है। दूसरी घटना देखो, यहाँ से यहाँ ही, यहाँ से वापस टकरा गई, जबकि ये पारदर्शी माध्यम था, बाहर जा सकती थी, तो यहाँ पे घटना हुई कौन सी, पूर्ण आंतरिक, ठीक है, क्या, परावर्तन, परावर्तन, ठीक। तीसरी देखो, यहाँ पर कलर क्या हो गए, अलग अलग, तो तीसरी हुई यहाँ पे कौन सी, वर्ण विक्षेपण, ठीक। पूछ ले वो हमसे कि बताओ इंद्रधनुष के अंदर कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, ठीक है, तो हम बता सकते हैं, एक अपवर्तन की, एक पूर्णांतरिक परावर्तन की, और एक वर्ण विक्षेपण की। द्वितीयक वाला जब बनेगा तो द्वितीयक वाले में वही जल की बूंद है, प्रकाश की किरण आई, ठीक है, तो प्रकाश की किरण आने के बाद इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर कलर बाहर निकलेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर जो पूर्णांतरिक परावर्तन है वो दो बार होगा, ठीक है। पूर्णांतरिक परावर्तन यहाँ पर कितनी बार होगा? एक बार, ठीक। यहाँ पर जो है पूर्णांतरिक परावर्तन कितनी बार होगा? तो दो बार, ठीक है। तो यहाँ पर पहली घटना तो वही हुई, कौन सी? अपवर्तन। दूसरी घटना कौन सी हुई? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये हुआ कितनी बार? दो बार। और जब दूसरी बार हुआ तो ये रेड नीचे आ जाएगा और वॉयलेट ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये जो होता है वो हल्का बनता है, ठीक है, हल्का इंद्रधनुष, ठीक। आकाश में जब हल्का हल्का इंद्रधनुष बने, धुंधला धुंधला सा, ठीक, तो वो समझ लेना द्वितीयक है। और यदि गहरा बने, ठीक है, तो समझ लेना कौन सा है? प्राथमिक है, ठीक। और इसके अंदर तीसरी जो घटना है वो वही है, कौन सी? वर्ण विक्षेपण।